ग्वार कॉम्प्लेक्स में ऊपरी स्तरों से गिरावट बनती दिखाई दी है। कीमतें अच्छे लेवल से नीचे आई हैं। भारत में ग्वार का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम बताया जा रहा है। मंडियों में भी ग्वार इतना देखने को नहीं मिल रहा है। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का व्यू ग्वार पर न्यूट्रल टू वीक है। उनके मुताबिक जब तक ग्वार सी 6,200 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में गिरावट रहेगी। 5,600 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं और मार्केट ज़्यादा नीचे जाती है तो 5,100 से 5,200 तक के भी भाव देखने को मिल सकते हैं। अजय केडिया का ये भी कहना है कि उनके ग्वार के व्यू में 15 से 20 मार्च के बीच थोड़ा बदलाव होगा। उनका कहना है कि जिस हिसाब से रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते कच्चे तेल में तेज़ी आई है, ब्रेंट ने $118 का लेवल हासिल किया है। कच्चे तेल में यहाँ से आपको अमेरिका के कच्चे तेल के उत्पादन पर नज़र रखनी चाहिए। जिस हिसाब से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं और हर कोई देश रूस से कच्चे तेल की खरीदारी करने से बच रहा है, ऐसे में अमेरिका कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों की मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन जब तक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पर पैसा नहीं लगेगा तब तक ग्वार में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। 20 मार्च के आसपास अमेरिका अगर स्टिमुलस पैकेज की घोषणा करता है और रूस के ऑयल और गैस पर प्रतिबंध लगाता है तो ग्वार में कुछ तेजी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।